कोरोना से जंग जीतने के बाद भी लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में दिल्ली के एक अस्पताल में कुछ कोरोना मरीजों में घातक फंगल संक्रमण की शिकायत देखी गई है। इस फंगल संक्रमण को ब्लैक फंगस या म्यूकोर माइकोसिस के नाम से जाना जाता है। डॉक्टरों का दावा है कि मरीजों को ये इन्फेक्शन कोरोना की वजह से ही हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अब तक ये समस्या कोरोना के उन मरीजों में देखी गई है जो पहले से ही किसी दूसरे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम है। इसी को लेकर सरकार ने आज इस बीमारी की जांच और इलाज को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इस बीमारी को लेकर सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR की तरफ से तैयार किया गया है। ICMR द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार ब्लैक फंगस के लक्षणों में आंखों और नाक के आसपास दर्द और लालिमा छाना है। कोरोना से ठीक हुए लोगों में बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, उल्टियां और उनकी मानसिक स्थिति में बदलाव देखा जा रहा है। वहीं गंभीर लक्षणों में बंद नाक, नाक से पानी आना, गाल की हड्डी पर दर्द, चेहरे पर सूजन आ जाना, काली या सूखी खांसी, खांसी के साथ खून भी आना, दांत दर्द, दांतों का ढीला होना, त्वचा में दाने आने, आंखों की रोशनी में धुंधलापन आना और सीने में दर्द शामिल है। निर्देशों के अनुसार फंगल संक्रमण या ब्लैक फंगस के संभावित कारण डायबिटीज यानी कि शरीर में जरूरी मात्रा में इंसुलिन ना बन पाना और स्टेरॉइड दवा का इस्तेमाल है। आपको बता दें कि स्टेरॉइड दवा के इस्तेमाल से इम्यूनिटी कम हो जाती है। लंबे समय तक ICU में रहने, किसी दूसरी गंभीर बीमारी से पीड़ित और वोरिकानोजोल थेरेपी भी इसके कारण हो सकते हैं। फंगल संक्रमण का पता चलने पर क्या करें और क्या ना करें इसके बारे में भी सरकार ने बताया है। ICMR के मुताबिक ऐसे में सबसे पहले ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। कोरोना मरीजों के ब्लड में ग्लूकोज लेवल का लगातार टेस्ट करें और स्टेरॉइड दवा का इस्तेमाल सही समय पर ही करें और सही डोज ही लें, और तो और बिना डॉक्टर की सलाह के इसके इस्तेमाल करने से बचें। साफ सफाई का ध्यान रखें, पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पीते रहें, चाहे तो पानी उबाल कर भी पी सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें जो कि काफी हद तक हवा को बेहतर बनाने का काम करता है। एंटीबायोटिक्स एंटीफंगल का इस्तेमाल सही तरीके से और सही मात्रा में ही करें। कम से कम 4 से 6 हफ्तों के लिए एंटीफंगल दिशा निर्देशों का पालन करें। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ENT एक्सपर्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, डेंटिस्ट, सर्जन और बायोकेमिस्ट से लगातार सलाह लेते रहें। फंगल संक्रमण के इलाज में लापरवाही बिल्कुल ना करें। नाक बंद वाले सभी मामलों को बैक्टीरियल साइनसाइटिस ही ना माने। फंगल संक्रमण का पता लगाने के लिए सही समय पर जांच करवाने से कभी भी हिचके नहीं। ICMR ने फंगल संक्रमण से बचने के उपाय भी बताए हैं। सरकार के अनुसार धूल भरे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बागवानी से जुड़ा कोई भी काम करने से पहले जूते, लंबी पैंट या लंबी आस्तीन वाली शर्ट और दस्ताने जरूर पहने, यानी किसी भी तरह से धूल से जरूर बचे रहें। साथ ही स्वच्छता बनाए रखें, जिसमें अच्छी तरह से हाथ धोना और नहाना शामिल है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर महीने में भी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 15 दिनों के भीतर ऐसे 10 मामले सामने आए थे। उस समय फंगल संक्रमण के कारण कई मरीजों की आंखों की रोशनी तक चली गई थी। कुछ मामलों में ये संक्रमण दिमाग पर भी असर करता है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर जल्द ही इस संक्रमण का पता लगाकर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो ये मरीज की जान भी ले सकता है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।